मरीजों के लिए लगातार ऑक्सीजन की समस्या को लेकर अब समाजसेवी भी सामने आ रहे हैं। बरू फाटक के समाजसेवी पवन अग्रवाल द्वारा उनके पिताजी स्व गोकुल प्रसाद जी अग्रवाल की स्मृति में उनकी माताजी और पत्नी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठिकरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरू फाटक में सोमवार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने पिछले दिन जिले के लोगों से अपील की थी, इसका असर अब पूरे जिले में देखने को मिला। समाजसेवी पवन अग्रवाल ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन की सुविधा के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दान में दी, वहीं 1 मशीन बरू फाटक स्वास्थ्य केंद्र पर दी है। श्री अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे भी सहयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियम का पालन कर महामारी से बचे। BMO डॉक्टर एनडी तिवारी ने बताया कि मशीन मिलने से मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 10 लीटर वाली ऑक्सीजन कंसीडर से 2 व्यक्तियों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। प्रति घंटे में 10 किलो ऑक्सीजन मशीन में बनेगी। जुलवाने से रवि महाजन की रिपोर्ट। पवन कुमार अग्रवाल कह रहे थे दा? बरू फाटक ठीक है। क्या कुछ आज सुनी में कुछ दान दिया है आपने? हाँ, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए, जो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, क्षेत्र के मरीजों की संख्या को देखते हुए, आज 2 मशीन मेरी माताजी और मेरे द्वारा ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ये 2 मशीनें दी गई है, जिससे 4 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन मिलेगी। और ये 10 किलो ऑक्सीजन प्रति घंटे के स्थान में आएगी, जिससे 24 घंटे मरीज को सुविधा मिलेगी और इस सारी माहौलों को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, कोरोना महामारी जो शासन की जो परेशानियां तकलीफ को देखते हुए, आज हम लोगों ने, सभी साथियों ने मिलकर ये सुविधा दी। क्या कार्यक्रम सर? आज हमारे समाज सेवी मिस्टर पवन अग्रवाल जी ने यहाँ पर 2 मशीनें दान की हैं, जो कि डबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। 2 लोगों को एक मशीन सप्लाई कर सकती है 5 लीटर क्षमता पे। ये बहुत ही अच्छा उनके द्वारा काम किया गया और समाज की सेवा में एक अग्रणी कदम रखा गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।